बेगूसराय में एक दिहाड़ी मजदूर की मौत से गुस्साए लोगों ने NH 31 जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मजदूरी कर लौट रहे मजदूर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम करके जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। औरंगाबाद में शराब माफियाओं ने एक महिला को ईंट से कुचलकर मार डाला। वहीं महिला के बेटे की पिटाई कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। डॉक्टरों ने युवक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे गया रेफर किया है। बताया जा रहा है कि मां बेटे ने शराब माफियाओं को शराब बेचने से मना किया, जिससे नाराज होकर शराब कारोबारियों ने मां बेटे की हत्या कर दी। मृतका जुगेश्वरी देवी हैबसपुर की रहने वाली थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में पूछताछ कर रही है। हमारा मांग है इस घटना में जो शामिल लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और प्लस ये जो पुलिस के संलिप्तता में, पुलिस के देखरेख में शराब की बिक्री की गई है, हसपुरा थाना इसको बर्खास्त किया जाए। मामला ये लोग का जो है पुराना कोई चीज का जो मामला है, समझ गए। ये लोग जो है रात में जो है दो तीन आदमी अनजान आदमी आया है, आके जो है ईटा से मार दिया है बूढ़ी को, कपार में लग गया है। बूढ़ी के एक लड़का है छोटा, उसके माथा में लग गया है। जी, इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंटू जुड़ चुके हैं। मंटू, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हो पाई है या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इस मामले में? मैं जी बता दूं कि जिस तरह से शराब माफिया लोग फैला रहे हैं एक क्राइम, इस पे कोई कार्रवाई अभी तक अगर देखा जाए, जब से शराब बंदी हुई है तब से आपराधिक घटना बढ़ते जा रही है। वही शराब माफिया लोग आज यही घटना हुआ कि माँ और बेटा को पीट कर उसकी मौत कर देते हैं और पुत्र घायल हो जाता है। गंभीरता रूप से सदर अस्पताल औरंगाबाद से उनको रेफर कर दिया जाता है। और वही अगर परिवार वाले के अगर बताया जाए तो परिवार को रो रो कर बुरा हाल है और आस पास के ग्रामीण लोग सड़क पर उतर कर और नाराबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करते हुए थाना प्रभारी निलंबित की मांग कर रहे हैं और वही माफिया जो है और माफिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, पकड़ने के लिए उन लोग ऐलान कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर में अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी मंटू, जब वहां पे शराब माफियाओं का जो कारोबार चल रहा है तो क्या इसकी खबर प्रशासन को पहले से नहीं थी? इसकी प्रशासन को सूचना उसके दिया गया था। प्रशासन को इसके उसपे प्रशासन अगर एक्शन लेती इस तरह का कार्रवाई आज नहीं हो पाता, जिस तरह से आज घटना जो देखने को मिल रहा है। अगर प्रशासन एक्शन में आती तो इस तरह का आज एक की मृत्यु नहीं होती। और जहां तक इसका शराब माफिया वहां पर शराब बिका जाता है उसको विरोध के लेकर बेटा एक अमित कुमार विरोध किए थे कि यहाँ पर शराब नहीं बेचना है न पीना खाना है, उसके विरोध में रात में आधी रात को अपराधी लोग, तीन अपराधी जाकर घर में घुस कर अमित कुमार को ईटा से मारकर घायल कर लिया जाता है। उसी बीच में माँ बताने जब आते हैं अमित कुमार को अपना पुत्र के, तो उसके बीच माँ को मारकर और वहीं पर घटने पर मार दिया जाता है। ऐसे में अगर बात किया जाए तो अपराधी का मनोबल बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अगर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जहाँ तक। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया मंटू। तो शराब माफियाओं ने महिला की हत्या कर दी और साथ ही उसके बेटे की भी पीट पीट कर उसकी गंभीर हालत हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।